ठीक सामने आप देख रहे हैं दोस्तों रबर डैम, जो ये पूरी तरह से रबर का बना हुआ है। ये फल्गु रिवर जो है वो गवाही से मुकर गया, उसने कहा कि हमने तो देखा ही नहीं, जिसकी वजह से ये फल्गु नदी स्थापित हो गई। उस समय महाराज दशरथ ने अपना हाथ निकाला और कहा कि बेटी मुझे पिंडदान दो। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गया जी में, ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी, जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं पिंडदान करने के लिए। अभी हम मौजूद हैं गया के देवघाट पर और पीछे हमारे आप देख रहे हैं रबर डैम, जो कि भारत का एकलौता रबर डैम बना हुआ है। तो आखिर एक क्यों रबर डैम बना, क्या खासियत है इसकी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों रबर डैम बिहार सरकारों द्वारा बनाया गया है और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। जब माता सीता ने यहाँ पे दशरथ जी को पिंडदान करने के लिए आई थी तो यहाँ से बालू से पिंडदान की थी, उसी समय से ये फल्गु नदी स्थापित है। उसके बाद यहाँ पे पानी नहीं था, लेकिन बिहार सरकार द्वारा प्रयास से यहाँ पे एक डैम बनाया गया जिसका नाम रबर डैम है। तो उसी से यह पानी यहाँ रुकता है और जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं तो हम नहाते हैं, उसके बाद पिंडदान करते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छी काम किया गया है। जो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रबर डैम के पास और ये रास्ता सीधे आपको जाता है रबर डैम पर, और ठीक सामने आप देख रहे हैं दोस्तों रबर डैम, जो कि रबर का बना हुआ है और पानी इस पर से गिर रहा है और नज़ारे कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं रबर डैम पर। और अभी रबर डैम पूरा फुल गया है, हवा भर गया है इसमें और पानी गिर रहा है। दोस्तों अभी हम लोग फल्गु नदी के जो ऊपर रबर डैम बनाया गया उसके ऊपर से चल रहे हैं और रात के समय में यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग व्यवस्था की गई है, तो बहुत अच्छी दिखती है रात के समय में। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे सर यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे फल्गु नदी पर रबर डैम क्यों बनाया गया, क्या रहस्य है इनका। सर आप बताइए रबर डैम क्यों बनाया गया यहाँ पे? पहले यहाँ फल्गु नदी में पानी बिल्कुल नहीं रहता था, सालों भर पानी नहीं रहता था, केवल बरसात में पानी रहता था, जिससे जो देश के कोने कोने से पिंडदान करने के लिए आते थे या तर्पण करने के लिए आते थे तो उनको पानी की कमी की समस्याओं से जूझना पड़ता था। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, बिहार सरकार ने जो है रबर डैम आप देख रहे हैं ये बनवाया। ये पूरी तरह से रबर का बना हुआ है, इसमें हवा भरा जाता है पानी को रोकने के लिए, और जब पानी को उधर प्रवाहित करना होता है तो हवा को निकाल दिया जाता है। दोस्तों इसके पीछे जो रीज़न है कि पानी यहाँ पर नहीं रहता था, कि सीता का साप है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पर पिंडदान देने के लिए आए थे। जब महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी तो उस समय राम और लक्ष्मण मार्केट गए थे कुछ सामान खरीदने के लिए, पिंडदान का सामान खरीदने के लिए। उस समय सीता मैया अकेली थी। तो उस समय महाराज दशरथ ने अपना हाथ निकाला और कहा कि बेटी मुझे पिंडदान दो, मुझे पिंडदान दो, मुहूर्त निकला जा रहा है, शुभ मुहूर्त में पिंडदान होता है। तो माता सीता के पास कुछ था नहीं तो उन्होंने बालू से ही पिंडदान दिया, तो जिसकी वजह से आज भी लोग बालू से ही पिंडदान करते हैं। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण लौट करके आए तो सीता ने कहा कि मैंने तो पिंडदान दे दिया है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई कैसे हो सकता है, कोई गवाही दो। तो उन्होंने पांच लोगों को गवाही दिया, ये उसमें से एक फल्गु रिवर भी था कि तुम जो है ये कहो कि हमने पिंडदान दिया था, तुमने देखा है। तो ये फल्गु रिवर जो है वो गवाही से मुकर गया, उसने कहा कि हमने तो देखा ही नहीं। केवल अक्षय वट उसने कहा कि नहीं, मैंने देखा है कि माँ सीता ने पिंडदान दिया है। तो ये जो है इस जिसकी वजह से ये फल्गु नदी स्थापित हो गई और उसी समय से यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं रहता था, सालों भर नहीं रहता था। और हालांकि अब रबर डैम बन जाने की वजह से अब साफ मुक्त हो गई है, हालांकि गर्मी के दिनों में अभी भी पानी ख़त्म हो जाता है, नहीं रहता है। दोस्तों ये इसकी कहानी है, इसके साप से मुक्त होने की कहानी है और एक कहानी है यहाँ पर फल्गु नदी रिवर डैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर ऐसी जानकारी देने के लिए। और आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के बारे में? ना मनीष मैजिक ब्लॉग अच्छा काम कर रहे हो, पूरा घूम घूम करके देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, बिलीफ सिस्टम सबको दिखा रहे हो,
अच्छा है, मतलब अच्छा काम करोगे तो लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे रबर डैम के बारे में बताया कि रबर डैम क्यों बना था। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।